आज की ताजा खबर, आज की ताजा 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 खबर। नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पे एक नजर। आगामी त्योहार बकरीद को देखते हुए नगर परिषद चुरहट थाने में शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रमुख रूप से मुस्लिम त्योहारों को देखते हुए आपसी तालमेल भाईचारे के तहत मनाई जाए। इस बैठक में प्रमुख रूप से नायब तहसीलदार चुरहट, कनिष्ठ मंत्री मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की व थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्र की उपस्थित में ये बैठक बुलाई गई। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्र ने कहा कि कैसी भी जानकारी या दिक्कतें सामने आ रही है उस बात को आप मुझसे हर वक्त साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार कई वर्षों से आप सब मना रहे हैं, हमेशा सुनने में यही बात मिली कि हर कार्यक्रम में भाईचारे के तहत कार्यक्रम मनाया जाता रहा है। बकरीद के दिन पुलिस फोर्स संपूर्ण नगर परिषद में सुबह से शाम तक उपस्थित रहेगी। बैठक में चुरहट के तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। को है जिसकी आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसा कि आपको विदित है कि आगामी 29 तारीख को ईद का त्यौहार हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला है, तो उसके सुरक्षा व्यवस्था और क्या व्यवस्था पुलिस की तरफ से हो जिससे हम लोग सहयोगी के रूप में शामिल हो सकें, तो एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें चुरहट तथा आसपास के लगभग 50 से 60 शांति समिति के सदस्य उपस्थित हुए थे और सबके सुझाव लिए गए हैं और बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए हम उसमें कुछ कार्य।